तीसरी बार एनडीए सरकार आने वाले वक्त में चुनावी राजनीति कैसी होगी? चार राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, क्या बहुमत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सर्वमत के जरिए आने वाले 5 साल अपने सरकार को उसी मोड में चला पाएगी जैसा 2014 और 2019 में चलाई थी? क्योंकि दिल्ली में चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनका गठबंधन टूट गया, लोकसभा के लिए सिर्फ उनका गठबंधन था। आम लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए देश का माहौल, देश की राजधानी दिल्ली से आम मतदाताओं के बीच से तो हम लोग पूछ रहे हैं भाई साहब कि 400 पार का नारा तो अब चला नहीं, तो अब ऐसे में इस सरकार को कैसे देख रहे हैं? क्या 2014-2019 जैसा ये सरकार चल पाएगी? चल पाएगा अगर बेमान नहीं करेगा दोनों बाबू, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू, बेमान नहीं करेगा तो चल पाएगा। जैसे पलटी मारेगा फिर नहीं चल सकती है। अगर बहुमत 400 आना के लिए इतना लंबा समय लेकर चुनाव नहीं करता था तो वो 400 पार होता था, आदमी रातों रात पलट जाता है। अच्छा, प्रचार में आपको प्रचार में समय समय बदल बदल के प्रचार प्रसार हो रहा है, यहाँ बहुत जातीय बहु उल्ले घेरावा। 2014 में 2019 में भी तो यही 7 चरणों में हुए थे चुनाव, तो 283 सीट आया, 303 सीट आया, इस बार 242 क्यों रह गया 40? इस बार जो है ना उनको सोचने का, आम पब्लिक को ना बदलने का टाइम दे दिया, मौका दे दिया। अच्छा, अगर मोदी जी का जादू नहीं चला इस बार? नहीं, चलने वाला था लेकिन वो चुनाव इलेक्शन टाइम लॉन्ग टाइम ले लिया इसलिए वो नहीं हो पाया, नहीं तो 400 पार होता ही था। कैसे चलाएंगे मोदी जी सरकार? सही चलाएंगे। अच्छा, बोल रहे हो कि नीतीश बाबू और नायडू बाबू पर निर्भर है, पलटी नहीं मारेगा तो? अब पलटी न मारने की गारंटी क्या है? गारंटी क्या करना चाहिए सरकार को कि पलटी न मारे? नहीं, वो पलटी मार के धोखा खा के आए हैं, अब तो समझदारी से चला सकते हैं, मिले तो। अच्छा, आप बताइए सर, सरकार के भविष्य पर कैसा सरकार चलेगी? कल तक बहुमत की सरकार थी, अब सर्वमत की सरकार प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब देखिए, इसमें तो यही है भैया जी कि इन्हें अपनी कमियों, मतलब विपक्ष के द्वारा रची गई कूटनीतियों, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो ना मंथन करना पड़ेगा कि इनकी इतनी सीटें कम क्यों आई है। किसी ने अपना कहा मेरे से कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बनाया तो वहाँ से बीजेपी हार गई। मैं बोला भाई साहब ये तो कोई कारण नहीं है कि अपना वहाँ से बीजेपी हार गई। अब वहाँ खुल के मुसलमानों ने वोट दिया तो हिंदुओं को जो ना किसने रोका था, क्यों नहीं दिया उन्होंने? और दूसरी बात ये कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? बोले जामा मस्जिद। बोले यहाँ से तो बीजेपी जीत गई, तो ये कोई इतना प्रश्न नहीं हुआ कि अयोध्या से हार गई, यहाँ से जीत गई। मैंने कहा ये सब नहीं, इनको अपनी कमियों के ऊपर मंथन करना पड़ेगा, कौन सी कमियाँ हमसे रहीं जिनकी वजह से हमारी इतनी कम सीटें आई और आज हमको भी जो ना बैसाखियों पे खड़ा होना पड़ा है। आपको क्या लगता है, सरकार तो अपना बाद में अवलोकन करेगी, एक आम मतदाता होने के नाते? आम मतदाता होने के नाते मुझे लगता है एक साल तक सरकार चलेगी। एक ही साल? हाँ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। एक साल चले, अरे तो करें, हमको गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव है, वाजपेयी जी गठबंधन की सरकार चलाए। नहीं, जिनके साथ गठबंधन कर रहे हैं ना वो लोग एक साल रुकेंगे नहीं। अच्छा, नहीं रुकेंगे। चलिए, आप कहाँ से हैं सर? बहुत ध्यान से सुन रहे थे इसीलिए आपके पास आ गया मैं। मैं मेरठ से घूमने आया था यहाँ पे। अच्छा, हनुमान जी का दर्शन कर लिया आपने? नहीं, किया नहीं है, अभी बच्चे कह रहे हैं आइसक्रीम खानी है तो इनको आइसक्रीम खिलाने के लिए जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, इनकम टैक्स टैक्सेशन में। अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं सर कि अब तो चुनावी नतीजे आ गए, सीटें जो कल तक बहुमत की सरकार कही जाती थी अब वो एनडीए सरकार सर्वमत की सरकार हो गई, तो मेरठ में भी देखिए अरुण गोविंद जी कैसे कैसे करके चुनाव जीते हैं,
तो इस सरकार को कैसे देख रहे हैं, अगले 5 साल कैसे देख रहे हैं भारत की राजनीति को? देखो, एक क्रूशियल टाइम आया था कोरोना के टाइम पे, तो इंडिया ने जो मैनेजमेंट किया था वैसा मैनेजमेंट किसी ने नहीं किया। तो ऊपर नीचे वाला काम तो राजनीति में चलता रहेगा, तो इसमें भी जो डैमेज कंट्रोल था वो हमारे नेता ने बहुत अच्छे से कर लिया। 5 साल बहुत अच्छे से सरकार चलाएंगे, ये भरोसा है, विश्वास। डैमेज कंट्रोल क्या कर लिया? 240 सीट जो 400 का नारा दे रही थी, 370 का, वो 241 पर सिमट गई। तो ये लोग पूछ रहे हैं ना कि गठबंधन की जब भी सरकार, हमारे 90 के बाद से देखिए भारत की राजनीति को और सरकार को किस तरीके के हालत हुए, तो लोग पूछ रहे हैं कि 2014, 2019 या गुजरात में जिस तरीके से सरकार चलाए बहुमत वाली, तो क्या अब एक ना स्टैटिस्टिक्स होती है कि कोई चीज़ एक पीक पे जाती है वो कभी ना कभी थोड़ा डाउन जरूर आएगी। अच्छा। तो नो डाउट ये स्टैटिस्टिक्स चलेगी, इस बार कम आई है और नेक्स्ट टाइम की गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम आएगी बीजेपी सरकार, लेकिन इससे ज़्यादा सीटें लेके आएगी। मैनेजमेंट ये रहेगा कि इन 5 सालों में वो बिल्कुल समीक्षा करेंगे, थोड़ा सा कुछ डिसीजन जो मोदी जी लेने वाले थे मे बी शायद उस पर थोड़ा सा वो सॉफ्ट होके काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। ये पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स को इस बार मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स की तरह वो खेलेंगे। इसलिए पूछे थे कि मेरठ के आसपास की सभी सीटें, मुजफ्फरनगर देखिए 2 बार से केंद्रीय नहीं, वहाँ का देखो, वहाँ का बगल में कराना हार गए। उसका रीजन था, उसका रीजन ये था कि जैसे मुजफ्फरनगर का एरिया है वो जाट बहुल एरिया है, ठीक है, तो आरएलडी जाट भी नहीं, वहाँ पे संगी सोम जी जो रहते हैं, ठीक है, उनका थोड़ा फर्क पड़ा, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से नाराज चल रहे थे, तो उसका डेफिनेटली फर्क पड़ा। यहाँ पे मेरठ में अरुण गोविल जी जीते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल कांटे की टक्कर रही भी, अब कहे कि यार 5-10 हज़ार का वोट ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान राम जिसको लोग टीवी पर देखते थे वही 8-10 हज़ार के अंतर से जीत रहे हैं, जो मेरठ 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से अंतर से जीतती भाई। नहीं, फर्क इसीलिए मैं हम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों आ गया उतना बड़ा अंतर, अब सरकार चलाने की चुनौती, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। चुनौती चलेगी। क्या होता है कि हम हमारे घर में भी होता है कि भी हमें लगता है ये बंदा तो हमारा ही है, ये हमारा खास है, यहाँ से तो हमारा काम भी नहीं जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जरूर गवर्नमेंट ने ढील दी है कि हाँ ये चीज़ तो हमारी है, इस पे भरोसा हमारा छोड़ दिया गया, उसको शायद देखा नहीं गया। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ के, अगर अयोध्या में देखे तो लल्लू सिंह जी को खड़ा किया था, लोग नाराज थे उनसे, तो चेंजेस करने चाहिए थे। अरुण गोविल सिंह जी भी थोड़े लोग नाराज थे, चेंजेस करने चाहिए, लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। तो ये जो समीक्षाएं हैं पूरे 5 साल चलेगी कि भी कहीं ना कहीं ये नुकसान, मतलब जैसे ये 10 हज़ार का जो गैप आया है, ये मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख का गैप आना चाहिए था, बट ठीक है कि नहीं आया ना। नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। आप लोग सर दिल्ली से ही हैं या कहीं बाहर से हैं आप लोग? दिल्ली से ही हैं। अच्छा, तो यहाँ हमेशा चाय पीते हैं या? नहीं, ये तो बाई चांस में है आप लोग, कभी इधर से निकलते हैं, कोई दोस्त यार मिल जाते हैं तो बैठ जाते हैं। क्या करते हैं सर आप? कुछ नहीं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं बस। अच्छा। साल अब रिटायर्ड लाइफ है। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए यहाँ पे घूमते रहते हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि चुनाव के नतीजे तो आ गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं, ठीक, तो 14-19 जैसा जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड था, तो इस सरकार को कैसे देख रहे हैं? कुछ लग रहा है कि देश की राजनीति में कुछ परिवर्तन होगा या फिर कैसे देख रहे हैं सरकार? देखिए, वैसे तो मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट इतना मेरा है नहीं, ना शुरू से रहा और ना अभी है जी। बाकी ये है कि अगर आप मतलब राजनीति की और सरकार की बात करते हैं तो सिचुएशंस तो 1947 के बाद ख़राब ही होती जा रही हैं। अब महंगाई अब देखिए कहाँ की कहाँ पहुँची हुई है। एक आम आदमी के लिए तो सरकार से क्या क्या उम्मीद रख सकता है, यही कि एक अरे लोग तो कह रहे हैं 2014 में नया भारत का उदय हुआ। नहीं, ये एक कहने की बात है, भारत का उदय हुआ 2014 में, राजनीतिक उदय जो नहीं समर्थक है, जो लोग दिल्ली की 7 की 7 सीटें फिर जीत गई हैं वो ठीक है, एक मतलब ट्रेंड है पब्लिक का, एक सोच है, या मतलब सरकारें जो कर रही हैं उनका है, लोगों ने देखा होगा कि भी मतलब स्टेबिलिटी नहीं रही, तो ठीक है 7 की 7 सीटें दे दी बीजेपी को। और मेरा जो अपना विचार है वो ये है कि सेंटर में और स्टेट में सरकार एक ही होनी चाहिए, तभी तरक्की हो सकती है, स्टेट की नहीं तो अदरवाइज तरक्की हो नहीं सकती। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिल के लड़ी, आप लोग कौन से लोकसभा में हैं वोटर? वी आर फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली, मालवीय नगर, साउथ दिल्ली, सॉरी। अच्छा, साउथ दिल्ली में। तो आपको क्यों लग रहा है अब आम आदमी पार्टी कर रही है? क्योंकि इसलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं
कि लगा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ेगी तो शायद बीजेपी को दिल्ली में नुकसान हो जाएगा। अब चुनाव खत्म हुए, लोकसभा का कहा नहीं जी हमारा लोकसभा में था गठबंधन, अब विधानसभा में नहीं है। फिर कुछ महीने बाद चुनाव है बिहार दिल्ली में। ये इनके पॉलिटिकल फंडेज हैं, ये आम आदमी नहीं समझ सकता ये पॉलिटिकल फंड है। अच्छा, ये अगर ये राज्यसभा के जो मेंबर को जो केजरीवाल के घर मारा गया था उसके चक्कर में ये हो गया, नहीं तो 3-4 सीटें कांग्रेस और ये ले जाते हर हालत में कांग्रेस आम आदमी पार्टी। हाँ 100%। लेकिन चाचा ये बताइए, अब हम लोग पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भैया अब हम दिल्ली विधानसभा में अकेले लड़ेंगे, तो लोकसभा में तो फायदा नहीं मिला, तो विधानसभा में इसके क्या परिणाम होंगे? कांग्रेस अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, केजरीवाल अलग लड़ेंगे? अब की जो है जो केजरीवाल जी समझ रहे हैं ना, ये मोमडन वोट, हम पंडित हैं वैसे मोमडन वोट, और वो कांग्रेस कांग्रेस को पड़ेंगे। अच्छा, केजरीवाल को नहीं मिलेंगे, अब केजरीवाल को नहीं मिलेंगे, केजरीवाल दिन पर दिन डाउन जाता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी दिल्ली में। और ये जो 240 वाली 242 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, उसके सरकार के भविष्य को कैसे देख रहे हैं आप लोग? ऐसा है, पहले अपनी मनोबली चला रहे थे मोदी जी, अब इनको मैं इनकी ख़त्म होकर काम करना पड़ेगा, पहले काम नहीं कर रहे थे, पहले जो मैंने कह दिया मेरी गारंटी वो भूल जाएंगे, ये कहेंगे हाँ अब हम मिलकर विकास कर रहे हैं, पहले ये सब मैं कर रहा हूँ, हर काम मैं कर रहा हूँ, उसके कारण ही ये नुकसान हुआ है यूपी में। मैं ख़त्म हो गया, हम शुरू हो गए। हाँ, इसीलिए बहुमत से सर्वमत की तरफ। हाँ, आप लोग सर कुछ बात करेंगे? हाँ, अरे आप तो इसीलिए बगल में आप बैठ गए, तो हमने कहा कि पूछ लें भैया कि क्या है। हाँ, बोल नहीं पाते। अच्छा, बोल नहीं पाते हैं, आप तो बोलते हैं ना। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या है इस सरकार का, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग लड़ेगी, दोनों मिलकर भी लड़ेगी तो बीजेपी। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आई, उसी ने काम किया हुआ, वही उसको लाइक करते हैं दिल्ली वाले, उन्होंने काम किया हुआ है, काम के बेस पे वो जीतेंगे। अच्छा, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, सारा हॉस्पिटल फ्री, एजुकेशन फ्री, राशन फ्री, सब फ्री कर रखा है, तो इस आप पे काम के बेस पे वो जीतेंगे दोबारा, केजरीवाल फिर दोबारा जीतेंगे। लेकिन दिल्ली में तो प्रदर्शन नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी, इतना करने के बावजूद लोकसभा में फिर सात की सातों सीटें बीजेपी जीत गई। नहीं देखो, बीजेपी चार बार हार चुकी है इनसे, चार बार हार भी तो चुकी है इनसे MLA के अंदर। हाँ, फिर हारेंगे ये, इनका तो 405 का नारा था, फेल हो गया। मोदी जी 4.5 लाख से जीतते थे, अब 1.5 लाख से जीते हैं, और अयोध्या भी हार गए, तो रह क्या गया इनका, मेजोरिटी भी नहीं आई इनकी, ये तो बैंगियों के सारे सरकार चल रही, कभी भी गिर सकती है तो। अच्छा, हाँ, अच्छा आपको ये ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा ब्रांड मोदी और बिल्कुल इतना खराब हो गया, और सरकार 5 साल कैसा देख रहे हैं अगला जो? नहीं चल पाएगी 5 साल, ये 5 साल काम नहीं कर रहा ना, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं है, नौकरियाँ देते ही नहीं है, ये सारी महंगाई इतनी है, क्या करेगा आदमी, पहले तो नौकरियाँ भी नहीं खोल, जितनी पड़ी हैं मिनिस्ट्री में खोल लेना ऊपर, क्यों नहीं खोलते, 10 साल में खोली नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में वो पढ़े लिखे कहाँ जाएं, मेन तो बेरोजगारी का सूत्र है। तो ये है आप लोग सर हो गए, आप कहाँ से हैं, दिल्ली से ही हैं कि कोई अन्य राज्य से है? मैं भारत में जो रायपुर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ मैं। अच्छा, तो भारतवासी ही हूँ यानी कि? अरे भारतवासी हम लोग तो इसलिए अलग अलग स्टेट पूछ लेते हैं कि अलग अलग स्टेट का टेस्ट अलग अलग होता है। दिल्ली में भाई बीजेपी सात की सात हो गई, आपके छत्तीसगढ़ में देखिए 11 में से 10 सीटें जीत गई भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का नतीजा देश की राजनीति में कैसा देख रहे हैं आप लोग, किस तरीके से अगले 5 साल सरकार के प्रारूप को देख रहे हैं आप? बहुत अच्छे से ये सरकार चलेगी ऐसी उम्मीद है, और लोकतंत्र की जो चिंता कर रहे थे जो लोग, तो अब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लोकतंत्र मजबूत हो गया है। वो यही कह रहे थे ना कि मोदी जी तानाशाही ला देंगे, मोदी जी संविधान बदल देंगे, मोदी जी आरक्षण ख़त्म कर देंगे, मोदी जी मुसलमानों को मार डालेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, चिंता मत कीजिए, खूब आनंद से सरकार चलेगी, सबको साथ लेकर चलेगी। तो एक तो ये देखिए,
आप सर, अब बताइए सर, क्या है इस सरकार के 5 साल का भविष्य कैसे देख रहे हैं? भविष्य तो कुछ है ही नहीं, कभी भी गिर सकती है, लंगड़ी सरकार है। लंगड़ी सरकार है, अब तो बहुमत से सर्वमत वाली सरकार आ गई तो नहीं। वैसे सरकार, वैसे इस ये जो सरकार है बढ़िया, वैसे काम सही होंगे इस सरकार में। ताना साहिब पे अंकुश लग गया, हाँ, जो कहते हैं। अब आपने सुना पहले मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, अब एनडीए की गारंटी है। अब एक शब्द भी कभी आया कि एनडीए की सरकार, एनडीए एनडीए आ रहा है। देखे होंगे आपने भी, आप तो खैर चलो देखते ही रहते हो तो अब एनडीए, अब एनडीए ब्रांड मोदी, ब्रांड मोदी खत्म हो गया है। अच्छा। और यही चाह रही थी पब्लिक, ब्रांड मोदी, कोई भी ब्रांड तो सही नहीं है ना, ब्रांड के नाम पे तो धांधली होती है। अच्छे अच्छे ब्रांड देखे हैं आपने, उसमें मिलावट हो जाती है। जब ब्रांड जाम ऊंचा हो जाता है तो उसमें फिर मिलावट आ जाती है, इसलिए ब्रांड तो सही नहीं है। अब सही है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसी सरकार होनी भी चाहिए, देश के फायदे के लिए होती है, पब्लिक के फायदे के लिए होती है। और पब्लिक गठबंधन सरकार जब होती है तो कहता है देश कमजोर होता है। जीडीपी बढ़ी है भाई साहब, आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिए, गठबंधन सरकार में जीडीपी बढ़ी बढ़ी है। आप इस सरकार का रिकॉर्ड देखो और पिछली गठबंधन सरकार का रिकॉर्ड देखिए कि जीडीपी कौन सी सरकार में ज़्यादा बढ़ी है। चलिए शुक्रिया। तो देश का माहौल आप देख रहे थे, अगला 5 साल एनडीए सरकार का कैसा होगा, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, बिहार, महाराष्ट्र या झारखंड जहां पे विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां देश की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, इन्हीं सब सवालों को लेकर आपको देश का माहौल दिखा रहे थे अलग अलग जगहों से। कुछ और जगहों से कुछ और राजनीतिक मुद्दों के साथ आपको दिखाएंगे कि आने वाले एनडीए की 5 साल के सरकार का स्वरूप कैसा होगा, क्या 2N नायडू और नीतीश कुमार के कंधों पर एनडीए सरकार मजबूती से आगे बढ़ेगी, इन सब सारे सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी अविनाश राणा के साथ मुझे यानी ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। अगले दिन कुछ और माहौल आपको दिखाएंगे देश के राजनीतिक मुद्दों से।